काफी ज्यादा बड़ा तो है। सभी को जय श्री राम। तो अभी मैं आपको व्यू दिखाने जा रहा हूँ, काफी ज्यादा खतरनाक, काफी ज्यादा कोहरा, और समझ नहीं सकते कि मैं इतने कोहरे में बाहर बिल्कुल खुले आसमान के नीचे सोया हुआ था। दिखाता हूँ ये। ओहो, तो ये देखिए पूरा कोहरा चारों तरफ। और यहाँ मेरा टेंट लगा हुआ था, और ये पंछी ढाबा है, इसी के सामने बिल्कुल मैं टेंट लगाया था। भैया ने मतलब जगह दे दिया था मुझे, यहाँ के जो मालिक है। और अभी जो नज़ारा है ये काफ़ी कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, इसीलिए मैं अभी तक निकला नहीं हूँ यहाँ से। लगभग अभी 8:10 हो चुका, तो मैं सोचा थोड़ा सा कोहरा ढल जाए तब मैं निकलूँगा यहाँ से। और ये आप जो देख रहे हैं ये हाईवे कटनी जबलपुर वाला हाईवे है। तो इस मौसम में पैदल ट्रैवल करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो कल रात में लगभग 9 मुझे यहाँ पर पनाह मिला। लगभग 2 तक मैंने खोजा कि भाई कहीं पर मुझे जगह मिल जाए, और सूरज देवता भी हाजिर हो चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि सूरज देवता जी निकलेंगे तो थोड़ा मैं अपना पैदल यात्रा जो आगे के लिए बढ़ाऊँ। जाना मुझे इधर साइड है भरभर आश्रम की तरफ, क्योंकि भरभर आश्रम यहाँ से 20 दूर है और मैं पहुँच नहीं पाया कल। ठीक है अंकल जी, चलता हूँ। बाय अंकल जी। तो काफी ज्यादा धूप भी तेज हो गया और कोहरा तो बिल्कुल साफ हो चुका है, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया है, 10:30। आज मुझे कैसे न कैसे भरभरा आश्रम मुझे पहुंचना ही है। लगभग यहाँ से 20-22 दूर है। तो देखते हैं, सलीमनाबाद है 7 और वहां से मुझे पड़ेगा लगभग 10 और पड़ेगा यार। तो अब एक मुझे सर मिले यहाँ पर, तो वो मुझे टनल दिखाने ले जा रहे हैं। लगभग 200 की लंबाई है और 10 का डाया है, और 200 मायने रखता है। और नर्मदा का पानी जो वो मंदाकिनी में जाएगा और फिर गंगा नदी में जाएगा। और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मतलब गर्मी के दिन में जैसे मंदाकिनी नदी क्या होता है, सूख जाता है। जैसे आपको मैंने वीडियो में दिखाया था वहाँ पर क्या होता है, सूख जाता है। तो जिस वजह से वो सूखे ना, इसलिए नर्मदा नदी को फिर वो वहाँ ले जा रहे हैं, और वहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब सुविधाजनक बन पाए जीवन यापन। 2000 तक बनने के बाद हाँ उसको रिपेयर करना पड़ता है। अच्छा, तो घिस जाता है उसका बाहर से कील वगैरह। हाँ, वो तो ये सब घिस जाते हैं, इसको फिर से नया बनाना पड़ता है। सर जी, आप कह रहे कि ये सबसे बड़ा टनल बनने जा रहा है, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया का? 12 लंबा है, आवरांगे तक जाता है। एक तुम लोगों ने अगर बेसिन नाम सुना होगा, बेसिन? हाँ, देश आज सुना, गंगा बेसिन हो गया, कावेरी बेसिन हो गया, नर्मदा बेसिन है। हाँ हाँ हाँ। तो ये नर्मदा बेसिन का पानी गंगा बेसिन में ट्रांसफर कर रहे हैं। ओह, ये ऐसा है। अच्छा, नर्मदा पानी बहुत होगा ना, बहुत पानी नर्मदा पानी है। ये जाके सीधे अरब सागर में मिलती है, उसका पानी हम नर्मदा मिला है। अच्छा, तभी वो परिक्रमा इतना लंबा पड़ जाता है, और देश का मतलब सबसे बड़ा परिक्रमा वही है, ये है ना। इंटरवेशन ट्रांसफर ऑफ वाटर, ये काम हो रहा है। काफी ज्यादा बड़ा है ये, मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ऐसे टनल बनता है बिल्कुल। तो वो जो बता रहे वो टीवीएम है। करीब 2 पहले हम लोगों ने इसको ओपन करने का काम चालू किया। अच्छा, 2 बाद ये करीब 3 लगता है। अब ये 15 में, हाँ 15 में तैयार हो जाएगी, 15-20 दिन में फिर इसको भर देंगे। हम कुछ सोच समझ के तुमको बुलाए। अच्छा अच्छा, तो सर जी मतलब एक मशीन टीवीएम सेट करने में कितना दिन लग जाता है? कम से कम 6 महीना साल भर लग जाता है केवल सेट करने में। हाँ, जब शुरुआत में मशीन आते हैं, मशीन से पार्ट आते हैं, जब से चालू करने में 1 लग जाता है।
अरे और ऊपर से काम करने का जो ड्यूरेशन है तो वो अलग होता है। यहाँ एक मशीन जर्मनी की है, एक अमेरिका की है, और वहाँ से ही इंजीनियर मंगाए जाते हैं शुरुआत में जो सेट करते हैं। सर आपका नाम क्या है? जी आर सिंह। क्योंकि मुझे बताना पड़ता है तुम नए हो लगता है। अब मैं जब कोई बड़े अफसर आते हैं तभी मैं आता हूँ, वैसे नहीं आता। आज DMRC की टीम आई है, कल इधर शायद देखी है, आज उधर देख रही हो गई। चलो तो ये भी नसीब हुआ कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ बैठ के खाना खाया, वरना काम में भी ऐसे मतलब समझ सकते हैं ना आप। काफ़ी देर तक मैं इनसे बातें करता रहा कि कैसे कैसे क्या रहता है। अच्छा है, मतलब चलो लाइफ में थोड़ा ये भी एक्सपीरियंस मुझे मिलता मिला देखने को। तो अभी वो ऑफिस में मिलने गए हैं, और ये जो इधर जो टनल बन रहा है, मतलब इससे पहले जो मैं ले गया वो सेकंड माउथ था, और ये एक इधर है। ये इधर क्या है ना कि इधर नर्मदा नदी नहर से आ रही है, और यहीं से एक टनल बन रहा है अंदर जहाँ पर आपको पहली बार दिखाने ले गया था वहाँ तक। तो पहला माउथ यहाँ पर ओपन रहेगा टनल का, क्लोज टनल का, और दूसरा उधर रहेगा। तो चलिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं तो पहली बार मतलब टनल देखा नहीं था बनते हुए कभी भी लाइफ में। मैं हमेशा सोचता था कि ऐसे ऐसे जगह पर जाऊँ देखूँ, लेकिन क्या होता नहीं, जब ऊपर जैसे आप मुझसे मिल गए तो मैं देख लिया। अब वो तो तुम ये आ गए हम भरभरा आश्रम। सूरज की रोशनी इधर इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा। अरे बाप रे बाप, सुंदर है ये। भैया थोड़ा सा दीजिएगा, अभी खाना खा के आता हूँ। शुक्रिया। ठीक है गुरुजी, बाय बाय। तो अभी आरती हो रहा है, लेकिन फोन अंदर अलाउ नहीं है, इसलिए फोन लेके जा नहीं सकता। कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो भंडारा खाने जा रहा हूँ। एक्चुअली में ज्यादा लोगों को ये चीज पता नहीं है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा लोग आते नहीं है। तो अब ये फोन कर दिए कि मुझे खाना खिलाते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पर मुझे सोने के लिए जगह मिला। ये जो सारे हैं ये सब कर्मचारी हैं इस आश्रम के।